था जिसमें 8 से 10 व्यक्ति घायल है जिनको मंसूर जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया था। ग्रामीणों द्वारा चक्का जाम किया गया, उनकी मांग थी यहाँ स्पीड ब्रेकर बने, तो हमने MPRDC वाले मैनेजर और ठेकेदार से बात की, उसको यहाँ बुलाया है और जल्दी इनका काम करवा देंगे। जी जी, उसके बस के आगे पीछे चला रहे थे। अच्छा, आगे पीछे अपने आगे में वो उसके आगे वो दिखा में बोतलगंज के आस पास था। हाँ। तो एक ट्रक साइड से पड़ी थी। अच्छा। और वो बस वाला आगे चलता था, वो भी तेज गेंद रहा था ना, इन्होंने तेज गेंद। हाँ। तो वो टर्बो थोड़ा परेशान हो रहे हैं यहाँ पे ना, सब आधे मजदूर है, कोई मजदूरी करने आता है, कोई क्या है, उसका ज्ञान सब हो रही है। यहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं, 2 घंटे 1.5 घंटे से मैं घूम रहा हूँ, फिर डिस्प्लेन दरवाई मेरे से बाहर ले गया, मेरे वाला का एक्सीडेंट हुआ बस में था, वो भी बस में था, इसका भी ये हुआ है, उसके नाक में उस सीट में लगी, उसके ऐसे डिस्प्ले लेकर घूम रहा, कोई डॉक्टर ही नहीं दिख रहा मेरा। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP News TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP News TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।